वैसे ये जो टैबलेट है ये मजाक ही तो है। इस टैबलेट का मैंने यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया है, जैसा देख सकते हो गाइस, ये स्मार्ट वॉच है 4000 रुपए का और ये टैबलेट भाई साहब आते हैं 3500 रुपए में। मैं नहीं मानता भाई, इस टैबलेट में ऐसा क्या है जो इसे इतना सस्ता बनाता है। तो मैं इसे बाय कर लिया, अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। सबसे पहले दिखा है मेक इन इंडिया और सामने तरफ टैबलेट का आप देख सकते हो N7 इसका मॉडल नंबर है, आईकल ब्रांड के तरफ से आता है, कोई सील ही नहीं है, बिना सील का है भाई। ऐसा नहीं है, सील यहाँ पे लगा हुआ है, अंदर छुपा कर रखा गया था। क्या बात है, वेट तो है गाइस। चलो अभी फिलहाल इसे साइड में रखते हैं एंड और देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यूजर मैनुअल, एक छोटा सा चार्जर और इसके साथ माइक्रो यूएसबी केबल जिससे ये चार्ज होगा। तो चलो फिलहाल सभी को साइड में करते हैं, चार्जर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये बहुत अच्छा आएगा। ओके, समय आ गया है टैबलेट का घूंघट हटाने का। क्या बोला, क्या बोला? अब आगे से। वाह क्या सीन है भाई, दिखने में तो बुरा नहीं लग रहा है, दिखने में काफी अच्छा लग रहा है गाइस। बिल्ड डिजाइन फीचर ये सब तो हम बाद में भी देख लेंगे, ये ऑन होता भी है या नहीं होता है चलो ऑन करके देखते हैं। अरे ये तो आइकन लिखा रहा है यार, मस्त पिक्सलेट होकर पिक्सल दिख रहा है अंदर से बाहर। ओके शुरू होते ही खत्म हो गया है। क्या बात है यार, डिस्प्ले तो देखो मस्त बीच के किनारे मुझे ले गया अभी से। कुछ दिख रहा है? नहीं। एक सेकेंड, इसे मुझे सेटअप करना ही नहीं पड़ा है, ये ऑलरेडी सेटअप है। शाबाश, सेटअप करना बड़ा हेडेक वाले काम होते हैं। मुद्दे पे आते हैं, बहुत हो गया बकबक और मजाक। ऐसे ये जो टैबलेट है ये मजाक ही तो है। वीडियो में मजाक चालू रहेगा, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी चीजें भी बताना बाकी है। इसमें पोर्ट और बटन का कोई कमी ही नहीं है, ऐसे एक प्रोटेक्शन यहाँ पे छूट गया था, इसके कैमरे के पीछे प्रोटेक्शन है। चलो इसे निकालते हैं। अब हुई ना बात भाई, सामने तरफ 7 इंच का TN पैनल डिस्प्ले दिया गया है। अगर आपको TN पैनल नहीं पता तो ये LCD का फर्स्ट जनरेशन ऐसा समझ लो, यही डिस्प्ले इसमें लगा हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ठीक इसके ऊपर जहाँ पे हम चंदन टीका वगैरह करते हैं ना, यहाँ पे इसका कैमरा है और बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया गया है। जैसा देख सकते हो ऐसा लगता है कार का जो आता है ना कंट्रोल वगैरह करने के लिए, वैसा ही दिखता है। इसके बाद टॉप एरिया देखोगे तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए बटन है, इसका एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, इसका एक माइक पोर्ट है और एक यहाँ पे और पोर्ट है जो मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या है ये। ऐसे इसे मैं खोल कर देखूंगा क्या है इसमें। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन है, वॉल्यूम को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। 3.5mm जैक दिया गया है तो मस्त ईयरफोन लगा गाना सुनो। इसके बाद यहाँ पे मेमोरी कार्ड बाहर से लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है भाई अंदर डालने का, बाहर लगाओ, जब मन करे निकाल लो, जब मन करे अंदर डाल दो। और लेफ्ट साइड में पूरा खाली है, कुछ नहीं है, प्लेन है। बैक साइड में एक चीज और है, स्पीकर जो काफी तगड़ा बजता है, और कुछ नहीं है बताने के लिए। अब गाइस इतना जोर से मारेंगे ये तो खराब भी हो सकता है। ओके तो गाइस अब इसका रियल टेस्टिंग करते हैं, इसमें गेम खेलेंगे। कौन सा गेम खेल पाएंगे? वो आता था ना एक, ऐसे ऐसे करते थे कार रेसिंग गेम, वो खेल कर देखेंगे। इसके बाद इसमें वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे और क्रोम पर थोड़ा बहुत ब्राउजिंग करेंगे, देखते कर पाते या नहीं। और लास्ट गाना भी सुनेंगे ना, पीछे स्पीकर दिया गया है। तो चलो सब चीज़ करते हैं। आओ मेन चीज़ कैसे भूल गए ब्रो, इसका कैमरा भी तो है भाई। बैक साइड में 2 मेगापिक्सल का कैमरा है भाई, उस समय 2 मेगापिक्सल बहुत होता था। अभी के फोन में जैसा देखते हो ना 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, यहीं से कंसेप्ट चुराया गया था। सामने तरफ 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा, ये कंसेप्ट ना चुरा ले भाई अभी का स्मार्टफोन, क्या पता 0.3 मेगापिक्सल देने लगे बैक साइड में और 5-6 कैमरा बता दे। मस्त प्लान है। सबसे पहले यहाँ पे टच करके देखते हैं किस तरह से होता है। तो देख सकते हो टच काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगा टच बुरा नहीं है। अब गाइस यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू करते हैं। ओके तो ये रहा मेनू का बटन एंड यहाँ मैंने यूट्यूब को अपडेट कर लिया था अपना गूगल अकाउंट वगैरह साइन इन करके, ये काफी समय लगा देता है यूट्यूब ओपन होने में। लोडिंग पे है, क्या बात है, ये देख सकते हो कितना लैग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब नेट की वजह से ऐसा हो रहा है, इसका जो प्रोसेसर है यही बहुत स्लो है। डायरेक्ट 4K वीडियो प्ले करते हैं। ओके आप 1080p वीडियो देख सकते हो इसमें, कुछ इस तरह से देख सकते हो 1080p 720 480। तो चलो 1080p मैक्सिमम पर सिलेक्ट करते हैं एंड वीडियो कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। एक चीज नोटिस आप कर पाओगे, डिटेल काफी तगड़ा है लेकिन क्वालिटी जो है डिस्प्ले का ये बहुत ही बेकार है। एज यू कैन सी इसका जो साउंड है ये फटाफटा सा आ रहा है, पता ना क्यों वॉल्यूम कम करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहूंगा बहुत ही बेकार है, बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि आप इसमें वीडियो बहुत ही लैगी टाइप से देख पाओगे। चलो अब यहाँ ब्राउजिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे ब्राउजर मिलता है जिसमें गूगल पे मैं सर्च करता हूँ कुछ भी। ये साउंड आप सुन रहे हो, कितना तगड़ा फीडबैक है, लग रहा है ऐसे ईंट पर कूटा जा रहा है हाथ को। ऐसे ब्राउजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मिलता है। अगर बहुत ही फास्ट इंटरनेट है तो कुछ इस तरह का आपको स्पीड देखने को मिलेगा। और भाई ये जूम होकर क्यों आ रहा है ऐसे? ओके जूम आउट कर सकते हैं। तो टच देख सकते हो काफ़ी अच्छा है लेकिन ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहूँगा इतना अच्छा नहीं है।
सर्च वगैरह काफ़ी लैगी सा है क्योंकि प्रोसेसर ही तगड़ा नहीं है तो क्या करेगा, तो ब्राउजिंग पर्पज़ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं। अब भाई जिसका हमें इंतजार है गेम खेलने का, तो मैंने यहाँ पे सबवे सर्फ डाउनलोड कर लिया है। आपको याद होगा जब ये टैबलेट सब आता था उस समय इस गेम का कितना वैल्यू था, यानी क्रेज हमारे अंदर कितना था। तो ये गेम यहाँ पे ऑन हो रहा है, देखते कितना देर में हो जाता है। One eternity later. तो गेम यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, चलो टैप टू प्ले करते हैं। ओह नो, टच खराब होने की वजह से मैं मर गया। चलो फिर से ट्राई करते हैं, पुरानी यादें ताजा हो गया है मेरे यहाँ पे। ओह माय गॉड, इस गेम के लिए कितना पागल था मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही मजा आता था गेम खेलने में। उस समय ये टैबलेट मेरे पास नहीं था, उस समय बहुत ही सस्ता वाला मेरे पास था एक एंड्रॉयड फ़ोन कार्बन का, उस समय मैं लिया था। कुछ इस तरह का गेम आपको एक्सपीरियंस मिलता है, गेम एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहेगा अगर आप अभी लेने का ये सब सोचते हो तो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से गेम इसमें प्ले हो पा रहा है, टच वगैरह आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। चलो मैं मरूंगा। न्यू हाई स्कोर, यस। ये देखो 0.3 मेगापिक्सल कैमरे के कमाल, अभी का ओप्पो वीवो क्या है इसके सामने, देखो तो ये सब फोटो ले सकता है क्या, बात बताओ तुम। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। गाइस ये बैक कैमरा, भैया आप कहाँ हो, इसमें तो दिख ही नहीं रहे हो यार, कहाँ हो कहाँ हो। अरे ये आया सामने, ओहो अरे यार क्या शटर का साउंड है, यस एक और। अरे एक मिनट, ब्यूटी मोड भी है ब्रो। ओके जस्ट होल्ड ऑन, ब्यूटी मोड, फेस ब्यूटी ऑन, एंड ये रहा ब्यूटी मोड का फोटो। आग लगा देगा आग ये फोटो, तुम्हें क्या लग रहा है। देखो यहाँ फ्लैश लाइट कैसे चमकता है, ये देखो, देख रहे हो क्या बात, कैसे लग रहे हो। ये ब्यूटी मोड फ्रंट में भी है ब्रो। ओके यस, ये फ्रंट का फोटो देख सकते हो, एकदम मस्त खिलखिलाता हुआ दांत। एंड ये हमारा बैक का फोटो, ये देखो 4x4 कार हमारा कैसे चमक रहा है। और ये हमारा पावर बैंक जैसा देख सकते हो, एकदम मस्त इसके अंदर का डिटेल्स दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपका स्मार्टफोन खराब होगा, इसका कैमरा क्वालिटी पर कोई जज नहीं कर सकता है। ये हमारे मॉडल सस्ता टिकाऊ एफोर्डेबल मेरे भैया। इसमें आपको 16GB इंटरनल और 2GB रैम मिल जाता है, इसमें आप 32GB तक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। जैसा यहाँ पे देख सकते हो मार्शमैलो इसमें आता है 6 एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हो, इस पे 2-3 बार टैप करने पर ये ओपन होगा। आप में से बहुत लोग इसे यूज भी नहीं किए होंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बट मैं लॉलीपॉप से भी पहले का मैं यूज किया हूँ एक बार एंड्रॉइड, और ये मार्शमैलो है, कुछ कुछ याद आ रहा है। ओ भाई उस समय के एंड्रॉइड वर्जन में जाकर आप गेम भी खेल सकते थे मार्शमैलो में, अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आप गेम भी नहीं खेल पाते हो, बस आप देख पाते हो। ओके ये एंड्रॉइड वर्जन है गाइस। इस टैबलेट का बैटरी बैकअप है, इससे पहले आप यहाँ पे इसका बैटरी देख लो, कुछ इतना बड़ा सा आपको देखने को मिलता है। इसमें लगाया 3000mAh का बैटरी, जिसका अप्रोक्स बैटरी आई थिंक चलेगा 65% से, मैं चलाना इसे शुरू किया था, अभी इसका 30% बैटरी है लगभग एक घंटे में, तो मैं बोल सकता हूँ 2 से 2.5 घंटा इसका बैटरी चलेगा, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। चार्ज करने में ही आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे इसे, राइट, क्योंकि इसका चार्जर बहुत ही बेकार है, तो बैटरी बैकअप बहुत ही गंदा है। यस इस टैबलेट का मैंने यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया है, जैसा देख सकते हो इसे खोलने के लिए हमें कोई भी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इसमें जस्ट ये वाला लॉकिंग सिस्टम है, ऐसे ऐसे करोगे तो अपने आप निकल जाता है। ये देख सकते हो इतना बड़ा सा जो आपको दिख रहा है, ये इसका बैटरी वाला एरिया है, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो चमकता हुआ एल्युमिनियम टाइप का यहाँ पे डिस्प्ले है, और ऊपर की तरफ बहुत ही चीप क्वालिटी का सारा चीज किया गया है। भाई क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे 3000 या 3500 के टैबलेट से। ये देख सकते हो स्पीकर के वायर का क्वालिटी, और ये सब आप देख रहे हो प्लास्टिक का क्वालिटी कितना गंदा है, ये देखो आप, बहुत ही गंदा सा लग रहा है क्वालिटी। ये इसका मेन एरिया है जहाँ पे मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो मीडियाटेक का ARM कुछ प्रोसेसर है, हमें जस्ट ये बताया गया था 1.3 GHz का प्रोसेसर है, बट किसका है तो ये देखो यहाँ मीडियाटेक का है। इसके बाद ये इसका बैटरी का यहाँ पे कनेक्शन है, ये देख सकते हैं ये इसका कैमरा रहा। एंड एक चीज आपको और बताना था, ये जो यहाँ पे एक पोर्ट था ये मुझे पता ही नहीं चला ये क्या चीज का है, तो यहाँ पे खोलने के बाद पता चला है ये दूसरा बटन है इसका। अब ये बटन किस काम का है आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बटन है ही नहीं, एक जस्ट पावर ऑन ऑफ के लिए बटन है। अब गाइस फाइनली बात करते हैं, आपको ये टैबलेट बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए 3000 या 3500 में, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इतना बेकार क्वालिटी है, ना आप इस पर वीडियो देख सकते हो ना आप ब्राउजिंग कर सकते हो सही से, बस 7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और कुछ नहीं है, टच रिस्पॉन्स वगैरह ठीक है, बट डिस्प्ले का क्वालिटी इतना गंदा है कि आप इसमें कोई भी कंटेंट कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा, 3500 रुपये आपका ऐसा समझो जैसे डस्टबिन में आप फेंक रहे हो। तो गाइस आप ये टैबलेट मत बाय करो, इसके जगह कुछ और बाय कर सकते हो, लाइक स्मार्ट वॉच ले लोगे तो एटलीस्ट आप पहनोगे 3500 या 4000 में मस्त स्मार्ट वॉच आ जाते हैं, या आप ये पैसा और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, अब आपको जहाँ करना है आप कर सकते हो। ऐसे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, माइनो की क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह क्वालिटी कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो प्लीज इन्वेंशन इंस्टा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।